टी20 वर्ल्ड कप 2022 में गुरुवार को हुए मैच के बाद पूरा पाकिस्तान गुस्से में है। बाबर आजम एंड कंपनी ग्रुप दो के मैच में जिम्बाब्वे से हार गई और अब सेमीफाइनल की दौड़ से लगभग बाहर हो गई है। पाकिस्तान के ग्रुप से भारत और साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल के दो सबसे मजबूत दावेदार बने हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के प्रदर्शन पर निराशा व्यक्त करते हुए स्टार क्रिकेटर शोएब अख्तर ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि भारतीय टीम अगले सप्ताह सेमीफाइनल राउंड में टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। उन्होंने आगे कहा, मैंने पहले भी कहा है कि पाकिस्तान इस हफ्ता घर वापस आ जाएगी और अगले हफ्ते इंडिया भी सेमीफाइनल खेल के वापस आ जाएगी। इंडिया टीम कोई 30 मार खान नहीं है जो वर्ल्ड कप जीत लाएगी। अख्तर ने गुस्सा जाहिर करते हुए कप्तान बाबर आजम से लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तक, अख्तर ने ऑस्ट्रेलिया में टीम के इस निराशाजनक प्रदर्शन के लिए सभी को दोषी ठहराया। यहां तक कि उन्होंने अयोग्य खिलाड़ियों के चयन के लिए भी बोर्ड को जिम्मेदार ठहराया। अख्तर ने कहा कि आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। इस हार के बाद पाकिस्तान की टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने के आसार बहुत मुश्किल हो चुके हैं। ग्रुप दो के टेबल में पांचवें स्थान पर मौजूद पाकिस्तान के 3 और मैच बचे हैं और उनके नाम एक भी जीत नहीं है। दूसरी ओर रोहित शर्मा की टीम ने अपने पहले 2 मैचों में जीत हासिल की है। उनकी सेमीफाइनल की राह बिल्कुल आसान हो गई है।